सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और उसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने मेरे रियल वॉइस वाले सभी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, इसीलिए आज मैंने आप सभी के लिए रियल वॉइस बैंड हॉलीवुड मूवीज़ का पार्ट टू बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी उतना ही पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एफर्ट लगता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर जल्द से जल्द आते रहेंगे। दोस्तों, जहाँ वॉइस और आर्टिस्ट की बात आती है तो सबसे पहला नाम अतुल कपूर का आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवीज़ में अपना वॉइस ओवर दिया है, जिनमें से एक है आयरन मैन 3। तो चलिए देखते हैं इनका वॉइस ओवर। मैंने आपके लिए मैंडरिन की जानकारी हासिल कर ली है सर, शील्ड, एफबीआई और सीआईए के हवाले से। वारदात के सीन का पुनः निर्माण शुरू। बंद करो। धमाके से पैदा हुई गर्मी 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा थी। 12:30 के अंदर जो भी थे उसी वक्त भाप बन गए। चाइनीज थिएटर के 3 मील तक के घेरे में कोई बम मिले क्या? नहीं सर। मरने वालों में कोई मिलिट्री का था क्या? रिकॉर्ड के हिसाब से तो नहीं सर। Oracle Cloud ने छानबीन पूरी कर ली है। सैटेलाइट से थर्मोजेनिक डेटा ले रहे हैं और पिछले 12 महीनों में घटी घटनाएं दिखाई जा रही हैं। उन इलाकों की झलक दिखलाओ जहां मैं। जब आप एक आतंकवादी और दुनिया की प्रेस को अपने घर का पता देते फिरेंगे तो मैं और क्या कर सकता हूं सर। दोस्तों, अजय देवगन की वाइफ काजोल को आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन्होंने एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी में अपना वॉइस ओवर दिया है। तो चलिए देखते हैं इनका वॉइस ओवर। एक इनक्रेडिबल लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है। हे जानू, अगर वाइफ घर पे ना हो और हस्बैंड बन जाए तीनों बच्चों का इंचार्ज। तुमने घर ना संभाला होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। बच्चे कैसे हैं? उसके बाद भी हस्बैंड कॉन्फिडेंटली बोले, सब बिल्कुल ठीक है, बच्चों की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। चोर है तो पक्का गड़बड़। दोस्तों, विराज यादव एक बहुत ही फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इन्होंने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में अपना वॉइस ओवर दिया है। यानिक विंटर, सब तुम्हें बोन डॉक्टर कहते हैं। मजे की बात यह है कि 3 साल पहले तुम्हें मरा मान लिया गया था। वैसे जूते काफी अच्छे हैं, उसके नहीं तुम्हारे। मैं उनके वॉइस ओवर बहुत करता हूँ, तो ये इस फिल्म के लिए मैं एक ऑडियो बोर्ड कर रहा था उनके साथ। अच्छा। दादा की एक ये स्पेशलिटी है कि वो एक फिल्म को ऑडियो फॉर्मेट में पहले क्रिएट करते हैं बिफोर गेटिंग ऑन द शूटिंग फ्लोर। तो मैं उनके साथ इस ऑडियो बोर्ड में भी शामिल था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम वॉइसिंग में ये सब कर सकते हो तो इसको तुम कन्वर्ट कर दो ऑन स्क्रीन। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा मैंने तो एक्टिंग कभी की नहीं है, तुम अगर ऐसा करवा लेंगे। समय राज ठक्कर को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में अपना वॉइस ओवर दिया है, जिनमें से एक है बेवॉच। चीते की रफ्तार और बेवॉच के ट्रायआउट से कोई भी नहीं बच सकता। कम ऑन गोल्ड मेडलिस्ट, तुझे इस बात का डर है कि मैं तुझे इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि तुझे मुंह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। तब शायद मेरे साथ ये लोग भी जान जाएंगे कि तू सिर्फ बोल बच्चन करना चाहता है। Well, not bad. उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। अच्छा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सिर्फ वार्म अप था। ये सिर्फ वार्म अप था? तो अगर तुम तैयार हो तो कुछ मुश्किल टास्क परफॉर्म करते हैं, और अगर तुमने मुझे उसमें हरा दिया तो ना सिर्फ तुम मेरी टीम में आओगे बल्कि मैं तुम्हें सीरियसली लूंगा और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करूंगा। दोस्तों, समय राज ठक्कर के बेटे वैभव ठक्कर भी एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने भी कई सारी हॉलीवुड मूवीज में अपना वॉइस ओवर दिया है, जिनमें से एक मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसका नाम है स्पाइडरमैन। हाय जबरा फैन, स्पाइडरमैन, मैं वैभव ठक्कर, मैं स्पाइडरमैन को हिंदी में आवाज देता हूँ। देखो वो रहा कैप्टन अमेरिका और वो रहा आयरन मैन, वो तो कोई बड़ा सुपरहीरो लगता है। कौन है वो? ओह नो, मेरा बुलावा आ गया। अभी भी मेरी फाइट कैप्टन अमेरिका से हुई और मैंने उनकी शील्ड छीनकर उन्हीं पर फेंक दिया। यार ये तो बड़ा बन गया, जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस आगे भी देखना है
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।